दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डीडी फ्री डिश के 72 ई ऑक्शन से जुड़ी। जैसे कि हमें बहुत टाइम से आप सबकी कमेंट्स मिल रही थी कि डीडी फ्री डिश का 72 ई ऑक्शन कब होगा, और हम आपको रिप्लाई में सिर्फ एक ही चीज बताते थे कि हमें जैसे ही इससे जुड़ी कोई अपडेट्स मिलेगी हम आपको अपडेट्स जरूर देंगे। तो फ्रेंड्स आज बेसिकली बहुत बड़ी खुशखबरी प्रसार भारती की ओर से निकल के आ रही है, और हम आपको बता दें कि डीडी फ्री डिश के 72 ई ऑक्शन की घोषणा प्रसार भारती ने कर दी है। जी हाँ, डीडी फ्री डिश का 72 ई ऑक्शन होने जा रहा है इसी मंथ में, और बताएंगे हम इस 72 ई ऑक्शन से जुड़ी सभी जानकारियां विस्तार से। लेकिन अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए ताकि हमारी ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। और आप देख रहे हैं वहा फिर डिश यूट्यूब चैनल, मैं हूं आपके साथ इरफान। और फ्रेंड्स आप हमारा सेकंड यूट्यूब चैनल वहा फिर डिश 2 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले, क्योंकि शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से हमारे सेकंड यूट्यूब चैनल पर आपको सभी अपडेट्स मिलती है सबसे पहले। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं आज की वीडियो टॉपिक की ओर। जैसे कि आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि डीडी फ्री डिश का 72 ई ऑक्शन होने जा रहा है, जिसकी घोषणा प्रसार भारती ने ऑफिशियली कर दी है। और इस ई ऑक्शन में जो भी चैनल पार्टिसिपेट करना चाहता है उसको अपनी एप्लीकेशन 11 सितंबर 2023 को दोपहर के 3 बजे तक सबमिट करनी होगी। जी हाँ, 11 सितंबर 2023 को एप्लीकेशन सभी चैनल्स को सबमिट करनी होगी। और वहीं बात करें प्रसार भारती की ओर से, जो 72 ई ऑक्शन की प्रक्रिया होगी वो 12 सितंबर 2023 को होगी, और जो भी चैनल डीडी फ्री डिश के 72 ई ऑक्शन में स्लॉट विन करने में कामयाब रहेगा वो आपको डीडी फ्री डिश पर देखने के लिए मिलेगा 19 सितंबर 2023 से लेके 31 मार्च 2024 तक MPEG2 स्लॉट्स में। जी हाँ, ये ई ऑक्शन यानी 72 ई ऑक्शन MPEG2 स्लॉट्स के लिए होने जा रही है। और अब बात करते हैं कि कितने चैनल्स के लिए ये ई ऑक्शन रखी गई है। तो फ्रेंड्स हम आपको बता दें कि डीडी फ्री डिश के MPEG2 में एक स्लॉट्स पहले से ही आपको खाली देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन वहीं बात करें जैसे कि आज की डेट की बात करें 1 सितंबर 2023 की, तो आज ही एक चैनल डीडी फ्री डिश के MPEG2 से रिमूव हुआ है जिसका नाम है भारत 24, और ये चैनल आज से डीडी फ्री डिश पर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। और इसी वजह से अब डीडी फ्री डिश के MPEG2 में टोटल 2 स्लॉट्स खाली है, और इन दोनों स्लॉट्स के लिए ही प्रसार भारती ने 72 ई ऑक्शन रखा है। और अब देखना होगा कि 72 ई ऑक्शन में कौन से चैनल पार्टिसिपेट करके स्लॉट विन करने में कामयाब रहते हैं और आपको डीडी फ्री डिश के MPEG2 स्लॉट्स में देखने के लिए मिलेगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज की वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।